इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट से पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को बड़ा झटका लगा है। जी हां, आईएनएक्स मीडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदंबरम को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है और उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है। यानी अब ईडी आईएनएक्स मीडिया केस में पूछताछ के लिए पी चिदंबरम को हिरासत में ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एजेंसी पूर्व वित्त मंत्री को हिरासत में लेकर पूछताछ कर सकती है। तो एक बड़ा झटका आईएनएक्स मीडिया केस में चिदंबरम को लगा। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई, पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। ईडी केस में पी चिदंबरम को अग्रिम जमानत नहीं दी गई है। चिदंबरम को प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से अब गिरफ्तार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चिदंबरम से हिरासत में पूछताछ होनी चाहिए, तो ईडी को एक कामयाबी और चिदंबरम को एक बड़ा झटका अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने से। पी चिदंबरम अब कभी भी हिरासत में लिए जा सकते हैं, उनसे पूछताछ के लिए ईडी उनको हिरासत में उनको गिरफ्तार कर सकती है। ये एक बड़ी खबर बता दें। तो कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री पी चिदंबरम की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और अब एक बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से पी चिदंबरम को लगा है। उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है क्योंकि अग्रिम जमानत की याचिका उन्होंने जो दी थी सुप्रीम कोर्ट में, उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यानी कि ये जो ईडी आईएनएक्स मीडिया मामले को देख रहा है, इस पूरे मामले में उनसे पूछताछ के लिए अब उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। हमारे संवाददाता प्रियव्रत इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। प्रियव्रत, एक बड़ा झटका है पी चिदंबरम के लिए और ईडी के लिए, एक बड़ी खबर इसलिए भी क्योंकि लगातार ये कोशिशें हो रही थी कि उनको डिटेन किया जाए, उनको गिरफ्तार भी किया जाए, और अब सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने का मतलब सीधा सीधा ये है कि गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है पी चिदंबरम की। जी बोल, मैं आपको बता दूं कि इस समय पी चिदंबरम की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। पहले सीबीआई के रिमांड में थे, अब ईडी के मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। हालांकि पी चिदंबरम अभी सीबीआई के रिमांड में है। आज उनकी रिमांड खत्म हो रही है। सीबीआई अगर ये नहीं लगाती कि फिर से उन्हें रिमांड लेना है तो इसके तुरंत बाद ही ईडी उनको गिरफ्तार करेगी। आईएनएक्स मीडिया मामले में सबसे बड़ी मुश्किलें ये बढ़ती जा रही है। ईडी ने कोर्ट को ढेर सारे सबूत सौंपे हैं। उन कोर्ट को कहा है कि हमारे पास पी चिदंबरम के लिए बहुत ढेर सारे सबूत हैं, जिसमें उनका विदेश में बैंक अकाउंट है उनके सहयोगियों को, और उसके बाद कई दस्तावेज सौंपे हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस के मामले में पी चिदंबरम फंसते आ रहे हैं। कोर्ट ने ये यहां तक कहा है कि पी चिदंबरम को अपनी ईडी फाइल को दिखाने की जरूरत नहीं है और क्या क्या सवाल पूछे वो भी कोर्ट में बताने की जरूरत नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि सीबीआई की भी आज कोर्ट में सुनवाई है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। अब सीबीआई अगर रिमांड पे नहीं लेती है या फिर पूछताछ के लिए नहीं मांगती है तो ईडी इनको तुरंत गिरफ्तार करेगी। जी भुवन, चलिए प्रियव्रत बेहद शुक्रिया आपका। तो तुरंत गिरफ्तारी भी हो सकती है और चूंकि लगातार ईडी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि चिदंबरम के खिलाफ ईडी के पास ठोस सबूत हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत खारिज करते हुए इस याचिका को ये कहा कि इस समय अगर आरोपी को अग्रिम जमानत दी जाती है तो इन्वेस्टिगेशन जो जाँच है वो प्रभावित होगी।